यूपी की शामली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने असलहों का जखीरा बरामद करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं सफलता को पाने वाली टीम को पुलिस अधिकारियों की ओर से नकद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ये हमारी शामली पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें हमारे स्वाट प्रभारी सत्यपाल सिंह और मुनेंद्र सिंह और साथ ही साथ आदर्श मंडी थाने के प्रभारी निरीक्षक यज्ञव्रत शर्मा की टीम को इसमें सफलता मिली है, जिसमें एक बड़ा असलहा तस्कर गिरफ्तार हुआ है और साथ में बड़ी असलहा की फैक्ट्री हमने बरामद की है। इसमें फैक्ट्री में कुल 25 बने हुए तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं, 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये पकड़ा गया अपराधी जो है इंसार उर्फ डॉक्टर, इसका नाम है, ये बलवा गांव का रहने वाला है और ये इसका साथी सलमान ये भागने में कामयाब हुआ है। इन दोनों अपराधियों की मिली भगत से एक बड़ी असलहा फैक्ट्री चल रही थी, जिससे ये सारे असलहे जो आपके सामने भी रखे गए थे वो बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने यह भी बताया कि ये पहले डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता था, यानी झोला छाप डॉक्टर भी अपने आप को बताया, उसके बाद से असलहे के बनाने के धंधे में आया और ये 5-6 सालों से काम कर रहा था। कई जिलों की पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता है, इसलिए शायद इसको पहले पकड़ा नहीं गया था। हालांकि एक मर्डर के मामले में जेल जा चुका है। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस पर मैंने अपनी टीम को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया।